हेलो स्टूडेंट्स, कैश बुक के इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। देखो, एक सिंपल क्वेश्चन है कैश बुक का, लेकिन हम यहाँ पे आपको कैश बुक के साथ साथ जर्नल भी बता रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि कैश बुक बनाइए और साथ साथ जर्नल एंट्री भी कीजिए। जब भी कैश बुक के साथ आपको जर्नल एंट्री बोलेगा, इसका मतलब होता है कि जो जो पॉइंट कैश बुक में नहीं जाता है या किसी पॉइंट का कोई पार्ट अगर कैशबुक में नहीं जाता है तो उसका जर्नल हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लो कि किसी को उधार गुड्स बेचें, तो उधार गुड्स बेचते हैं तो वो कैशबुक में तो लिखते नहीं है, तो उसका जर्नल कर लेंगे। किसी से उधार खरीदें तो उसका जर्नल कर लेंगे। चेक मिला, बैंक में जमा नहीं किए, तो जब चेक मिलता है और बैंक में जमा नहीं करते हैं तो वो होता है चेक इन हैंड, तो वो भी हम लोग कैशबुक में नहीं लिखते हैं, तो उसका भी जर्नल कर लेंगे। यानी जो जो पॉइंट कैशबुक में नहीं जाता है सिर्फ उसका हम लोगों को जर्नल कर लेना है। तो कैशबुक के साथ अगर जर्नल कभी बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट कैशबुक में नहीं जाएगा उसका हम लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन हम फिर भी आपको उस तरह से एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो चार पॉइंट ऐसा है जो कैशबुक में नहीं जाएगा तो उसका हम लोग जर्नल कर लेंगे। ठीक है, और जर्नल करेंगे तो आप बाकायदा फॉर्मेट बना के कीजिएगा जर्नल का, हम बिना फॉर्मेट बनाए अभी कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट है, देखो कैश इन हैंड है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो कैश इन हैंड है तो इसको कैशबुक में टू में लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, और बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो उसको बाई में लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। तो कैश इन हैंड इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स रिसीव चेक डिपोजिटेड सेम डे, गुड्स बेचे चेक मिला सेम डे बैंक में जमा कर दिए, तो चेक मिला और सेम डे जमा कर दिए तो ये कैशबुक में बैंक बढ़ेगा। चेक मिला सेम डे बैंक में जमा कर दिए तो हम लोग बैंक बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखता सोल्ड गुड्स टू नवीन ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000, नवीन को 10,000 का गुड्स उधार बेचें। उधार बेचें मतलब अभी पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो ये कैशबुक में नहीं लिखेंगे, और अगर आपको जर्नल करने बोलेगा तो जो कैशबुक में नहीं लिखेंगे उसका हम लोग जर्नल कर लेंगे। तो इसका हम लोग जर्नल कर लेंगे, नवीन को उधार बेचें तो एंट्री होगा नवीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट पढ़ो, रिसीव फ्रॉम नवीन अ चेक फॉर रुपीज 9,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, नवीन से 10,000 रुपया पाते थे, 9,500 का चेक मिला इन फुल सेटलमेंट, तो नवीन से 9,500 का चेक मिला यानी 500 डिस्काउंट हो गया। लेकिन फिर यहां चार दिन बाद लिखता है कि नवीन वाले चेक को हम लोग प्रवीण को एंडोर्स कर दिए, इसका मतलब नवीन से जो चेक मिला उसको हम लोग बैंक में जमा नहीं किए। तो नवीन से चेक मिला लेकिन बैंक में जमा नहीं किए तो हम लोग इसको कैशबुक में नहीं लिखेंगे, तो इसका भी जर्नल कर लेंगे। तो चेक मिला बैंक में जमा नहीं किए तो इसको हम लोग बोलते हैं चेक इन हैंड, तो इसका एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट, नवीन से पाते थे 10,000, 9,500 का चेक मिला, 500 डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट पढ़िए, लिखता है सोल्ड गुड्स टू मुरलीधर ऑन क्रेडिट, मुरलीधर को गुड्स उधार बेचें। फिर वही बात, उधार बेचें तो ये कैशबुक में नहीं जाएगा, तो इसका उधार बेचने का जर्नल कर लेंगे, मुरलीधर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मुरलीधर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है, चेक रिसीव किए थे जो नवीन से वो प्रवीण को एंडोर्स कर दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 9,800, तो जो नवीन से चेक मिला था वो हम लोग आया था तो चेक इन हैंड में लिखे थे, तो अब उसको देंगे तो भी हमारे पास से जाएगा क्या चेक इन हैंड, जब आया तो हम लोग बढ़ाए चेक इन हैंड, तो जब जाएगा तो भी घटेगा चेक इन हैंड, तो प्रवीण को दे रहे हैं तो प्रवीण रिसीवर है, तो एंट्री करेंगे प्रवीण अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड और टू डिस्काउंट रिसीव। 9,800 प्रवीण पाता था, 9,500 का चेक उसको एंडोर्स कर दिए, 300 डिस्काउंट हो गया, ये भी कैशबुक में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, लिखता है रिसीव चेक फ्रॉम राम अलाउड हिम डिस्काउंट, राम से चेक मिला और उसको डिस्काउंट भी अलाउ किए, लेकिन ये चेक भी बैंक में सेम डे जमा नहीं किए क्योंकि 16 तारीख को लिखता बैंक में जमा किए जिसमें राम वाला चेक भी इंक्लूडेड है, तो 16 तारीख को जमा किए, मिला था 15 को, इसका मतलब 15 को जमा नहीं किए,
तो 15th को चेक मिला लेकिन बैंक में जमा नहीं किए तो वो हो जाएगा चेक इन हैंड। तो लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, चेक इन हैंड 12,800, राम से पाते थे 13,200 डिस्काउंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट डे लिखता है 16th को हम लोग 15,000 रुपीज जमा किए जिसमें राम वाला चेक 12,800 का इंक्लूडेड है। तो 12,800 का चेक जमा किए, टोटल 15,000 जमा किए जिसमें 12,800 का चेक है यानी 2,200 कैश जमा किए। ठीक है, तो यहाँ दो पार्ट है, 12,800 का चेक जमा किए जो पहले से आया हुआ था और 2,200 हम लोग कैश जमा किए। तो जो चेक जमा किए उसके लिए लिखेंगे टू चेक इन हैंड, बैंक में लिखेंगे 12,800 और जो कैश जमा किए वो तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो हमारा बैंक बढ़ेगा 2,200 से और कैश घटेगा 2,200 से, तो बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे, कैश घटेगा इधर लिखेंगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, नाम अपोजिट लिखते हैं। तो ये बैंक का कॉलम है तो कैश का नाम लिखेंगे और ये कैश का कॉलम है तो बैंक का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट पढ़ो, चेक फ्रॉम राम रिटर्न्ड डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिट्स आर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस ऑन दिस चेक ₹20। यानी राम से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, राम से 12,800 का चेक मिला था ये डिसऑनर हो गया और इसके लिए बैंक ₹20 चार्जेस भी काटा। और हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो उसका चार्जेस उसमें जोड़ के लिखते हैं। तो राम से जब चेक मिला था उसको हम लोग बैंक में जमा किए थे तो अपना बैंक कॉलम बढ़ाए थे, अब इधर बैंक कॉलम घटा लेंगे और चार्जेस जोड़ के लिखेंगे। तो लिखेंगे बाई राम 12,820। नेक्स्ट देखिएगा, लिखता रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम राम। मतलब क्या है, राम से चेक मिला था डिसऑनर हो गया, बैंक ₹20 चार्जेस काटा, तो अब लिखता राम जो है वो हमको जो चेक था यानी 12,800 और प्लस बैंक चार्जेस का ₹20 कैश में दे दिया, यानी राम हम लोग को 12,820 रुपीज कैश में दे दिया। तो राम से 12,820 मिला तो इधर लिखेंगे टू राम 12,820 कैश कॉलम में। नेक्स्ट पढ़ो, इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹5,000 इन फेवर ऑफ श्याम। बैंक को हम इंस्ट्रक्ट किए कि ₹5,000 का श्याम को एक ड्राफ्ट बना के दे दीजिए। तो बैंक को ड्राफ्ट बनाने बोले श्याम के लिए, तो बैंक वो ड्राफ्ट बना के देगा, पैसा मेरे अकाउंट से काटेगा तो मेरा बैंक अकाउंट घटेगा, तो मेरा बैंक घटेगा, तो इधर लिखेंगे बाई श्याम 5,000 और इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए बैंक चार्जेस लिया ₹40, तो उसको लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस ₹40। बैंक चार्जेस के लिए भी हमारा बैंक घटेगा तो उसको भी बैंक कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है, मुरलीधर सेटल्ड हिज अकाउंट बाई मीन्स ऑफ अ चेक फॉर ₹6,200 इंक्लूडिंग 200 एज इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम हिम, लॉस द चेक इनटू बैंक, यानी चेक को बैंक में जमा कर दिए। तो मुरलीधर जो है जिससे हम लोग पाते थे 6,000, ₹200 एक्स्ट्रा दिया इंटरेस्ट जोड़ के और उस चेक को हम लोग बैंक में सेम डे जमा कर दिए। तो मुरलीधर से पाते थे 6,000 और इंटरेस्ट मिला 200, तो 2 मुरलीधर और 2 इंटरेस्ट दोनों हम लोग बैंक में लिखेंगे 6,200, क्योंकि हमारा बैंक 6,200 से बढ़ेगा। नेक्स्ट है, पेड ₹5,000 बाई चेक फॉर कैश परचेजेस, गुड्स खरीदे और चेक से पेमेंट की, तो इधर लिखेंगे बाई परचेजेस और बैंक कॉलम में लिखेंगे। अब सुधीर जिससे कि हम लोग ₹8,000 पाते थे बिकेम बैंक्रप्ट यानी वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड पेड अस 50 पैसे पर रुपी यानी 50% मिला। तो उससे 8,000 पाते थे, 50% यानी 4,000 मिला, बाकी 4,000 डूब गया। तो जो मिला उससे हमारा कैश बढ़ेगा, तो इधर लिखेंगे 2 सुधीर और कैश में लिखेंगे 4,000 मिला, बाकी 4,000 डूब गया, वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों को कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक से मतलब है, कितना कैश बढ़ेगा और कितना बैंक बढ़ेगा या कितना कैश घटेगा और कितना बैंक घटेगा। तो यहाँ हम लोग को सुधीर से 4,000 मिला तो कैश बढ़ेगा 4,000, बाकी 4,000 जो डूब गया वो कैश बुक में नहीं आएगा। तो कैश बुक में नहीं आएगा तो उसका जर्नल करना चाहिए, क्योंकि अभी हम बताएं जो कैश बुक में नहीं आएगा उसका जर्नल करते हैं। तो एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर, ये बैड डेट्स 4,000 डेबिट होगा क्योंकि हमारा नुकसान है, और टू सुधीर क्योंकि सुधीर पैसा डुबा दिया। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर 4,000 एक जर्नल कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में कैश बुक के साथ जर्नल आप तभी कीजिएगा जब क्वेश्चन में आपको जर्नल करने बोलेगा, और जो जो पॉइंट कैश बुक में नहीं जाएगा सिर्फ उसी का जर्नल करेंगे। नेक्स्ट है, पेड सैलरी टू मनोहर लाल ₹3,000, मनोहर लाल को सैलरी दिए तो इधर लिखेंगे बाई मनोहर लाल ₹3,000। फिर अब बैंक ₹20,000 यानी बैंक में पैसा जमा किए,
तो बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, नाम अपोजिट लिखेंगे, तो इधर बैंक का कॉलम है कैश का नाम लिखेंगे और कैश का कॉलम है तो बैंक का नाम लिखेंगे, फिर टोटल कैश और टोटल बैंक दोनों तरफ जोड़ लेंगे तो इधर आ गया टोटल रिसीट्स, इधर आ गया टोटल पेमेंट, कैश हमेशा इधर ही ज़्यादा होगा तो कैश इधर आया 31,620, यानी हमारा कैश बैलेंस ही डी आ गया 6420, 6420 रुपए, बैंक इधर ज़्यादा है तो बैंक का इधर बैलेंस आया तो इधर बैलेंस ही डी आ गया 9410, तो बैंक का इधर बैलेंस आया मतलब ये आया ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कैश हमेशा इधर ही बैलेंस आएगा, इधर का इधर लिखेंगे और इसका बैलेंस कैरी डाउन इधर आया तो ये इधर चला जाएगा। क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए।